गाइस, स्वागत है हमारे YouTube चैनल साहिल मार्क में। तो गाइस, आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपका भी डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो गया है या नेम लिमिट क्रॉस हो गया है और आपको अपॉइंटमेंट निकालना है, तो बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर इस पे वीडियो बना दीजिए। तो देखो गाइस, मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि जो आधार रीजनल ऑफिस जाने से पहले अपॉइंटमेंट बुक किया जाता है, इसमें मैंने काफ़ी 2-3 वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आप लोगों को बार बार बताता हूँ कि ताकि आप लोग निकाल लो, क्योंकि इसमें न्यू अपडेट होता रहता है। इसीलिए मैं आप लोगों को फिर से इसमें बताने वाला हूँ 2022 में ये न्यू ट्रिक है, और यही ट्रिक 2021 में भी था। तो मोबाइल फ़ोन से अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करते हो तो उसका साइड थोड़ा सा अलग हो जाता है, लैपटॉप से अगर आप करते हो तो इसका साइड थोड़ा अलग हो जाता है, इसीलिए डिफरेंस हो जाता है। तो बहुत सारे लोग इसको अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग को बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैं आप लोग को बताऊंगा बिल्कुल इजी स्टेप जो आप अपने मोबाइल फ़ोन से या लैपटॉप से आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो रीजनल ऑफिस जाने के लिए। ठीक है, रीजनल ऑफिस जाने के लिए अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी होता है, नहीं तो अगर आप अपॉइंटमेंट लेके नहीं जाते हो, जैसे आप पटना से या लखनऊ से अगर दिल्ली जाते हो या गोमती नगर जाते हो लखनऊ अपने रीजनल ऑफिस, तो वहाँ पे आप लोग को अपॉइंटमेंट लेना अनिवार्य होता है। अगर ऑफलाइन जाते हो तो पता नहीं आपका टाइम हो तो आपका एंट्री होगा या नहीं होगा। तो अपॉइंटमेंट लेने से यही फ़ायदा है कि आप डायरेक्ट वहाँ पे जा सकते हो, लाइन में नहीं लगना है। ठीक है, तो यही वीडियो में बताने वाला हूँ कि अपॉइंटमेंट कैसे बुक कर सकते हैं अपने मोबाइल, और वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप रीजनल ऑफिस जाने के लिए अपॉइंटमेंट कैसे बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मोबाइल फ़ोन से भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपने लैपटॉप से भी अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा 5 मिनट के अंदर में, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो बिल्कुल आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है गाइज, देखो आपको क्रोम ब्राउजर में, ये देखो क्रोम ब्राउजर है, इसको ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर के गूगल पे हम आ जाएंगे, जैसे कि देख सकते हैं आप, हम लोग क्रोम ब्राउजर के गूगल में आ गए हैं, और यहाँ पे सर्च करना है UIDAI। ठीक है, UDAI ये सर्च करेंगे, उसके बाद से आपको फर्स्ट में ये मिलेगा, देख सकते हो ये UDAI आ रहा है ब्लू टिक लग के। ठीक, इस पर आपको क्लिक करना है, फिर ये कुछ नया अपडेट आया है आधार की तरफ से। यहाँ पे बहुत सारे लोग मतलब नहीं समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे लैंग्वेज जो है, आप जैसे कहीं के भी हैं, मराठी, पंजाब या गुजरात, तो आपको जो भी हिंदी चाहिए आपने लैंग्वेज में कर सकते हो। तो बहुत अच्छा ऑप्शन दे दिया है, पहले नहीं था ये, तो हम चलो इंग्लिश को कर लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश पे क्लिक कर लेंगे, उसके बाद से थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद से वेट करना है आपको, और यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है। ठीक है, नीचे आने के बाद से आप इसमें देखो कई सारा ऑप्शन मिल रहा है आपको, गेट आधार में आपको मिल जाता है बुक एन अपॉइंटमेंट। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है गाइस, इसी पे बुक क्लिक करना है आपको। देखो बता देता हूँ मैं, तो गाइस अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कई मतलब कारण से अपॉइंटमेंट बुक किया जाता है रीजनल ऑफिस। ठीक है, आप देख सकते हो, मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आप न्यू आधार कार्ड बनवाना है तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो, नेम अपडेट कराना है तो अपॉइंटमेंट ले सकते हो, एड्रेस अपडेट कराना है तो अपॉइंटमेंट ले सकते हो, मोबाइल नंबर अपडेट कराना है, ईमेल अपडेट कराना है, डेट ऑफ बर्थ अपडेट कराना है, जेंडर अपडेट कराना है, या बायोमेट्रिक फोटो फिंगरप्रिंट अपडेट कराने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं गाइस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आप अपना जो देखो सेलेक्ट सिटी लोकेशन, जैसे आप कहाँ रहते हैं वो आपको ये सेलेक्ट में करोगे तो आप बहुत सारा ये देख सकते हो, ये सिटी का नाम आ जा रहा है, जैसे इलाहाबाद, सिविलाई, तो मैं चलो मैं लखनऊ का बुक करूँगा या अक्षरधाम का। देखो गाइस, ये दिल्ली में जो है लोग वो अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन पे या धौला कुआं मेट्रो स्टेशन, दिल्ली इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन, फिर कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन, यहाँ पे बहुत सारे दिल्ली में तो कई जगह है, तो देखता हूँ मैं लखनऊ का मिलता है कि नहीं मिलता है लखनऊ। ठीक है, रतन स्क्वायर, इसमें हर स्टेट का मिल जाएगा, आप लोग ढूंढना। ठीक है, लखनऊ का देखो ये मिल गया ना, रतन स्क्वायर। ठीक है, ये और भी आप देख सकते हो, ये सारा पुणे, सिलीगुड़ी, बनारस का जगह जगह दिया है रीजनल ऑफिस जहाँ जहाँ है।
तो आपको जहाँ मतलब जो नज़दीक लगे वहाँ पे जाके आप अपना अपडेट करा सकते हो, ठीक है। और मैं कहाँ गया, लखनऊ, लखनऊ अभी आया था। लखनऊ देखो, ये हमें यहाँ का बुक करना है, मुझे लखनऊ रतन स्क्वायर, इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये नीचे जो दिया है प्रोसेस टू अपॉइंटमेंट, ये आधार सेवा केंद्र के लिए है और ये रीजनल ऑफिस के लिए है, ये समझ लेना, ठीक है। कि अगर नियर बाई आपके आधार सेवा केंद्र होगा तो यहाँ से वहाँ जाने के लिए भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, ठीक है। तो इस पर हम लोग क्लिक करते हैं, ये कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने, ये चूज़ करने के बाद से। तो ये आपको यहाँ पे जैसे आधार अपडेट कराने के लिए आपको इसी में मोबाइल नंबर वगैरह भरना पड़ेगा, और न्यू आधार के लिए यहाँ पे मतलब न्यू आधार करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे हो जाएगा न्यू आधार, ये अपडेट आधार, ये मैनेजमेंट, जैसे आप बुक कर लिए फिर आप ऑप्शन में आके मैनेज कर सकते हो अपॉइंटमेंट को, डेट वगैरह इधर उधर कर सकते हो। तो हमें न्यू आधार का भी बताऊंगा, सेम ही है, चलो दोनों का बताता हूँ, अपडेट का, आधार अपडेट का बताता हूँ। तो इसमें सबसे पहले नंबर डाल देंगे अपना मोबाइल नंबर, ठीक है, जो आपके पास मौजूदा मोबाइल नंबर होगा वो डाल दीजिएगा, चलो नंबर डाल देते हैं, ठीक है। तो आपको आधार अपडेट या न्यू आधार अपडेट या मैनेज करना होगा, जैसे कुछ चेंजिंग वगैरह करने होगा तो यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलो मैं आपको आधार अपडेट और न्यू आधार के लिए अपॉइंटमेंट बुक करके दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ देख लो मोबाइल नंबर मांग रहा है, यहाँ मोबाइल नंबर डालना है आपको, ठीक है। चलो हम मोबाइल नंबर, चलो इसमें हम मोबाइल नंबर अपना मौजूदा मोबाइल नंबर में जो आपका होगा वो आप डाल दीजिएगा, ठीक है। कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, 4394832 0, ठीक है। उसके बाद से ये नंबर डालने के बाद से यहाँ पे कैप्चा आप देख सकते हो, ये जो कैप्चा है जैसे जैसे लिखा है वैसे आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, देखो, ठीक है। तो या जैसे कैप्चा लिखा हुआ है ए कैपिटल लेटर में, ACT4, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आपको करना है देखो जनरेट OTP सब भरने के बाद से, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपका ये मोबाइल नंबर है इस पर OTP चाहेगा, तो ये मोबाइल नंबर आपके पास ही रहना चाहिए मोबाइल, ठीक है, तभी OTP आप इसमें डालेंगे, ठीक है। चलो इस पर हम लोग OTP भेजते हैं मोबाइल पर, ये देखो देखो सक्सेसफुल ये OTP आ गया है, और ये मेरे मोबाइल पर OTP आ गया है, और मैं इसमें OTP डाल देता हूँ। निन्यानवे 53 46, ठीक है। अब इसको वेरीफाई कर देंगे, वेरीफाई करने के बाद से कुछ ऐसा स्टेप आ जाता है आप लोग के सामने, देख सकते हो यहाँ फर्स्ट हम लोग स्टेप पे आ चुके हैं, देखो फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो हम लोग ये पहले वो करते हैं, अपना आधार नंबर डाल देते हैं, ठीक है। तो आप अपना आधार नंबर डाल देना जिसके नाम से, नाम डालने के बाद से इधर आ जाना, आप इसमें डॉक्यूमेंट में क्या आप लगाओगे ये आप चूज कर लेना अपने हिसाब से, आप कहाँ से हो, कौन, बिहार से हो, मतलब किस स्टेट से हो आप, तो हम उत्तर प्रदेश डाल देंगे यहाँ पे, जो भी आप जहाँ से होंगे। फिर सिटी का नाम डाल देना है यहाँ पे लखनऊ, ठीक है, जहाँ जोन से सिटी मतलब स्टेट उत्तर प्रदेश में लखनऊ सिटी या जहाँ आप रहते होंगे, फिर यहाँ पे आप ये चूज कर लेना, ठीक है, एड्रेस वगैरह होगा। अब उसके बाद से सारा भरने के बाद से आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद से गाइस ये दूसरा स्टेप आ गया, देखो पर्सनल डिटेल, इस पे आपको किसी एक को दर्शाना है, गार्जियन को, अपने गार्जियन को डाल लीजिएगा या ये छोड़ दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है, ये इसमें देखो ये प्रमाण पत्र हो सके तो, अगर आपके पास जो भी मतलब डॉक्यूमेंट हो रहा है तो इसमें डाल देना, कोई वो नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद से यहाँ पे देखो ये हो गया, गाइज ये मैं बताना भूल गया कि देखो यहाँ पे ऊपर में आएगा कि आप क्या क्या अपडेट कराओगे, तो देखो लिख रहा है सेलेक्ट सेलेक्ट फील्ड टू बी अपडेट, नेम कराना हुए कि जेंडर कराना है कि मोबाइल नंबर की ईमेल की एड्रेस, ठीक है।
तो आप एक साथ में 1, 2, 3, 4, 5, मतलब एक साथ में 3 2 नहीं करें, नहीं तो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमको कराना है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में सबसे ज़्यादा लोगों का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में क्लिक कर देना। नेम पे और डेट ऑफ बर्थ, ठीक, जब आप क्लिक करेंगे फिर नेम डालेंगे, जो नाम अपडेट कराना है आपको नेम डालेंगे। ठीक है, दो मैंने चूज किया है, नाम और एड्रेस, नहीं, नाम और डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, जो नाम सही कराना है उसको इसमें डाल दीजिएगा। मेरे को नाम कराना है साहिल, ठीक है, साहिल, ठीक है। उसके बाद से जो आपको डेट ऑफ बर्थ चाहिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप डाल देना। फिर यहाँ पे देखो, नेम के लिए प्रूफ क्या लगाओगे आप, नेम के लिए प्रूफ क्या लगाओगे, और यहाँ पे आप देखो नेम के लिए इतना सारा प्रूफ है, जैसे लाइसेंस हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, फोटो क्रेडिट कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, वैलिड ये सर वोटर आईडी कार्ड हो गया, पासपोर्ट लगा देना सबसे अच्छा, या पैन कार्ड क्लिक कर लेना। अब डेट ऑफ बर्थ के लिए आप क्या लगा सकते हो, देखो बर्थ सर्टिफिकेट है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट भी लगा सकते हो। तो बर्थ सर्टिफिकेट सबसे अच्छा रहेगा, आप चूज कर लेना यहाँ पर। फिर ये हो गया, और आप आगे ये देखो गाइस, ये लिखा है, अब यहाँ नेक्स्ट कर देंगे हम लोग। अब तीसरा स्टेप में आ जाता है कि आप कौन सी तारीख को जाएंगे। ठीक है, देखो आज 11 तारीख है, आपको जाना है 5 दिन पहले या 10 दिन पहले आप ले सकते हैं, इस महीने का, अगले महीने का तो इसमें नहीं देता है, लेकिन आपको जिस तारीख को जाना है उस तारीख को, जैसे हमको 25 को जाना है, ठीक, 25 को बुक कर देखो, 25 अक्टूबर, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर रतन स्क्वायर। ये करने के बाद से आपको क्या करना है, गोवर्धन पूजा है, देखो इसमें शो कर रहा है क्लोज, इस दिन बंद रहेगा। इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन मेरे को ये लग रहा है कि देखो सेंटर इज क्लोज बिकॉज दिस हॉलीडे गोवर्धन पूजा, तो 25 तारीख को मत करना, ये देखो मैं 18 कर दे रहा हूँ, 18 तारीख को कोई भी मतलब पूजा वगैरह नहीं है, दिवाली का चल रहा है इसीलिए। तो आप टाइमिंग टेबल चूज कर लेना, कितने बजे से कितने बजे तक, तो देखो 8, 8:30 से 9:30 बजे तक ये सब टाइमिंग है शाम तक, तो मैं टाइमिंग मेरा रहेगा 12 बजे, 12 बज के सबसे अच्छा रहेगा। देखो 18 अक्टूबर 12:10 से 12:30 बजे तक, ग्राउंड फ्लोर रतन स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कर देंगे फिर से, ये देखो ये आपने जो भी डिटेल भरा है अपडेट कराने के लिए, पर्सनल डिटेल, ये आपका हो गया यहाँ पे। उसके बाद से आपको फिर यहाँ सबमिट कर देना है गाइस, प्लीज इंफॉर्मेशन सबमिट, ठीक है, यहाँ पे अब सबमिट हो रहा है, फुल नेम,